सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी मानगंज पंचायत में प्रेमी प्रेमिका को सरपंच ने खूंटे से बांधकर बेरहमी से पीटा और यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जिला प्रशासन ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, जिसमें एसडीओ और एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचकर इसमें मुख्य आरोपी सरपंच महेंद्र सरदार सहित 9 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है। जबकि एसडीपीओ का कहना है कि गांव के मुखिया लक्ष्मी सरदार भी इसमें शामिल है। वहीं एसडीओ ने बताया कि सरपंच को पदमुक्त करने के लिए आवेदन भेजा जा रहा है। आरोपी ने बताया कि ये मुझसे गलती हो गई, जबकि पीड़िता का कहना है कि मारपीट करने के बाद जुर्माना भी वसूला गया। जबकि पुलिस का कहना है कि जो अन्य 25 लोग हैं उनके लिए भी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। देखिए सुपौल से बलराम कुमार की पूरी रिपोर्ट। सरपंच ने कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जमकर प्रेमी जोड़े को खूंटे से बांधकर तब तक पीटा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। प्रेमी एवं प्रेमी को खूंटे से बांधकर पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के हिस्ट्री सीटर महेंद्र सरदार सहित 9 नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र स्थित मांगनद पश्चिमी पंचायत की है। सरपंच ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और जमकर पीटा। प्रेमी और प्रेमिका की गांव के पंचायत में बेरहमी से पिटाई का फुटेज वायरल हुआ, जिसमें जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिमी पंचायत के वर्तमान सरपंच और जिले के हिस्ट्री सीटर महेंद्र सरदार द्वारा लोगों के मौजूदगी में प्रेमी एवं प्रेमिका की पिटाई की। सूचना मिलते ही एसडीएम विनय कुमार सिंह, एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के द्वारा पीड़ित महिला रेखा देवी के लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचायत के सरपंच महेंद्र सरदार सहित कुल 9 नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना में शामिल एक नामजद और लगभग 25 अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने बताया कि इस घटना में ग्राम पंचायत मुखिया लक्ष्मी सरदार की संलिप्तता की खबर आ रही है। आरोपी सरपंच जिले के हिस्ट्री सीटर और जदिया थाने के कई कांडों में संलिप्त डकैत है। इस मामले को लेकर एसडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर सरपंच को पदमुक्त करने के लिए लिखा जाएगा। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। पीड़िता रेखा देवी ने आरोप लगाया कि पंचायत में पंच बुलाकर जुर्माना भी लगाया गया था। पैसा जुर्माना तो मार हुए। क्यों मार रहा था आपको सरपंच? लड़का से प्यार के लिए। उस लड़के प्रेम प्रमोद से प्यार? हाँ हाँ, प्रमोद से प्यार। बुकरा बुले लिए घर पर। आप ही बुलाए थे? हाँ, वो अकरो मन से बोले, हमरो मन से बोले। वो कल के हमू जब हमू कल आवा तो दोनों प्यार मोहब्बत करते? हाँ। तो इसको लेकर समाज में काहे आपको मारा? वही से मार लग घर में नहीं घुसले आन की अथी घरे में रहे आग रे लगल। हम आग तापत रही खड़ा रहे कल के हमारा 4 आदमी लगल छे पीछा लगल छे हमरा बचाव। तो ओकरा बचबे के लिए हम कमल ओढ़ा दिलिए। कमल ओढ़ली ओतने के ओ सब सी आई डी लगल रहे ओकरा पीछा लोग ओतने के मारलक ओकरा आबि के। तो अहाँ दुनू को बांध देला? हाँ। और ओकर बाद की करला? ओकर बाद मारलक से। केना केना मारलक? लाठी लेके मारलक, लाठी से मुका से चप्पल से जकरा जे भेलै से मारलक। खुटा में देखलिए बांध? हाँ, खुटा मारलक, खूब मारलक। के के रही मारे? बहुत गोर अंधार अथी रात के रात नहीं देखलिए आप नहीं चिन्ह लिए अपने। दिन में मारत रहे आके? दिन में रे सरपंच टा मारलक, सरपंच मारलक। ओकर बाद मुखियो मारत रहे? नहीं, मुखिया नहीं मारलक। मुखिया मारलक कखन? मुखिया नहीं मारलक। ओ जब पंच नहीं बैठल के जखन दंड जुर्माना लगल के तखन मारलक करची लेके। तखन कौन आदमी रे रे मुहन देखलिए? एगो महिला भी कह रही थी आपको अधनंगा भी कर दी थी। हाँ, सा कपड़ा फट गेले मारलक के कपड़ा फटल छे। मारने में महिला भी थी? हाँ। अच्छा, कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के बीच? 4 महीना से। 4 महीना से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। वो आपके साथ क्यों मारपीट किया गया? अरे मुर्गा लेकर से मुर्गा ला के लिए। ठीक छ। हाँ, मुर्गा ला के लिए तो उसने हमरा पकड़ के जबरदस्ती डरा ला गेले।
तेरा लाले घर में बंद कर दिलकर घर से निकाल कान धून दे कर शुरू कर दिल। कौन मारा है सर? एक ता उनकी नाम जो थी एक ता नाम फोन नहीं जाने सर हम चीन ही चुरा बढ़िया से। ओ कहाँ पे घटना हुआ आपके साथ में? सर चंपा नगर में सर। आप पुलिस के पास नहीं गए? नहीं सर नहीं गए। काहे? बॉन्ड पेपर बनवाया सर शाम से। कौन बनवाया? मुखिया बनवाया सरपंच बनवाया। अच्छा आपको मार कौन रहा था? वहाँ पे सब पब्लिक मिल गया मारा। वो सरपंच है क्या? सरपंच काला रंग के भूटा रंग के। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं? नहीं जी नहीं जानते। अच्छा बॉन्ड जो बनवाया तो उसपे सादा कागज था या वैसे था? सादा कागज था। क्या किया आप उसपे? हम खाली निशान दिए। अच्छा आपके साथ में जो एक लेडीज को मारा जा रहा है वो कौन है? उसी का कोई था। उसको क्यों मार रहा है? अपने मत बिन मतलब का बोलता उससे तू ये कर रहा वो कर रहा। प्रेम प्रसंग है? हाँ जी। अच्छा महिला कहाँ की है वो? सर वहीं का है, चंपे नगर की। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम रेखा नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद मंदिर। और महिला शादीशुदा है? जी दो बाल बच्चा उसके। आप पे क्या आरोप लगाया जा रहा है? मैं बोलता है उससे तुम शादी कर रहा उससे तू प्यार प्यार करता है। ओ इसी वजह से मारा है जी। कल कितने कब हुई घटना आपके साथ? 11 बजे। कब किस दिन? 11 बजे रात में हुआ। आज रात में? जी नहीं तब कल रात में। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद मंदिर। अच्छा वहाँ पे मुखिया और सरपंच दोनों था? दोनों था सर। और पब्लिक के बीच में आपको मारा? उनको गाछी में बांध के अंधून तोड़ देने लगा। अच्छा मुखिया सरपंच ही बोला मारने के लिए? वही सब मिलके मारा। मुखिया सरपंच मिलके? मुखिया में हाथ नहीं छोड़ा, सरपंच में पुश मारा उनको। सरपंच वर्तमान है कि पूर्व सरपंच है? वो अभी वर्तमान सरपंच है, परवाज मालवन पूर्वी पश्चिमी पंचायत का महेंद्र सरदार। सर 4 लाठी हमको तोड़ दिया थे महेंद्र सरदार जी। यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर भी मारा। मुखिया सिर्फ बैठल था जी? मुखिया बैठा हुआ। सरपंच मांगा है 11,000 रुपया मांगा वो हमसे। काहे मांगा है? जुर्माना डाला। कब मांगा है? पंचायत के बीच में मांगा था। कब जमा करना है? समय दिया हुआ है? चाचा जानता है सब, हम नहीं जानते। चाचा से पूछिए। कल जदिया थाना अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत से एक प्रमोद मंडल है और एक रेखा देवी है, जो दोनों शादीशुदा है। दोनों में प्रेम प्रसंग की बात प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर मानगंज पश्चिम के मुखिया और सरपंच पंचेती बैठाए थे। और पंचेती करने के क्रम में कुछ ही लोग ग्रामीण लोग मिलकर फाइन किए थे और 15 दिन का समय दिया गया था कि पैसा आप लोग जमा कर दीजिए। जब ये लोग इनकार किए तो ये लोग बुरी तरीके से घेर कर अपने सहयोगों के साथ मारपीट किए थे, जिसमें लेडीज को भी मार लगी थी और जो उसके प्रेमी थे प्रमोद मंडल उसको भी पिटाई लगी थी। वीडियो वायरल हुआ था जिसका हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और अविलंब उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 नामजदों के बाद 9 नामजद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो सरपंच हैं वो हिस्ट्री सीटर हैं, बहुत सारे कांडों में ये आरोप प्रत्यारोपित रहे हैं और ये दागी भी हैं जदिया थाना के। एक 236 नंबर दागी है इनका और ये पुराने डकैत रहे। सर इन सरपंच पे किस तरह का और मुखिया भी इसमें शामिल है तो इनके ऊपर क्या किया जाएगा? देखिए प्राथमिकी दर्ज हो गया है और प्राथमिकी के आधार पर अब हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को समर्पित करेंगे कि ऐसे सरपंच जो इस जघन्य अपराध में संलिप्त है उनको पदमुक्त करने की आगे की कार्रवाई की जाए। आप सरपंच हैं और मारने का हक किसने दे दिया आपको? बुरी तरह देखे हैं महिलाओं को और पुरुष को, दोनों को पीटे हैं आप? गलती सर हाँ गलती सर गलती हो गया, लेकिन पूरा पीट रहे थे, लगा पूरा गुस्सा में है। किस आरोप में पीट रहे थे उनको? सर दो घर में लड़का लड़की के खराब करे, खराब करता है तो उनको गांव से निकाल देते, लेकिन पीटने की क्या जरूरत आ गई? नहीं नहीं न्याय करते सरपंच पार करने का भी कहां इसको पावर बुला भी नहीं।